Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We are starting, inshallah, the video series of Arabic writing, inshallah, for those students who can read Arabic but cannot write Arabic, inshallah. In this course, in this actually video series, we learn how to write each and every letter of Arabic, from where to start and from and where to stop. Inshallah, you learn every letter and how to connect each letter with each other, inshallah. So we'll start with alif, inshallah. Alif. So basically yahan par hum dekhenge ki arbi ko hum kaise likhenge aur arbi ka har letter humne kaise shuru karna hai, kis tarah khatam karna hai, theek hai, aur kahan se uski shuruaat hogi aur kahan jaakar wo stop hoga. वन मोर थिंग, अरेबिक में हर लेटर उसकी तीन फॉर्म्स होती हैं, तीन शेप होती हैं. आई मीन फॉर्म इन द सेंस के अगर अरबी जबान एक वाहिद ऐसी जबान है जो कनेक्ट अरबी और उर्दू, आई मीन जो इस तरीके की स्क्रिप्ट्स हैं, तो वो कैसी होती है, वो एक दूसरे से कनेक्ट करके लिखी जाती है, वो अलग अलग जुदा जुदा नहीं लिखे जाते. जिस तरह अनलाइक इंग्लिश, इंग्लिश में हर लेटर अपने आप से जुदा लिखा जाता है. तो आप सारे लेटर्स भी लिख दे तब भी वो सारे अलग अलग लिखे जाएंगे, लेकिन अरबिक और उर्दू ये और फारसी वगैरह में जिसमें भी ये स्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है अलिफ से लेकर या तक, तो उसके अंदर आपने वर्ड्स को कनेक्ट करके लिखना होता है, सारे लेटर्स को एक दूसरे से हुरूफ को कनेक्ट करके लिखना होता है. तो बेसिकली हम इसमें इस वीडियो सीरीज में सीखेंगे कि आप किस तरीके से कौन से लेटर को बनाएंगे और कहाँ से शुरू करेंगे. सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम जो होती है जिनको इंग्लिश लिखने की आदत होती है, वो एक तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से, बट अरेबिक हमेशा राइट साइड से शुरू होती है. और बहुत सारी चीजें जो हमने ऊपर से शुरू करनी होती है तो स्टूडेंट नीचे से शुरू कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से उनको लिखने में दिक्कत आती है. तो इंशाल्लाह वी लर्न इन दिस वीडियो सीरीज कि हाउ टू राइट अरेबिक लेटर्स एंड फ्रॉम वेयर विल स्टार्ट आर द इनिशियल पॉइंट, उनका बिगनिंग जो पॉइंट होगा और उनका जो एंडिंग पॉइंट होगा, उन सबके जरिए से हम उनको सीखेंगे इंशाल्लाह. तो हम स्टार्ट करते हैं अलिफ से. सबसे पहले अलिफ, अलिफ के लिखने का ये तरीका है कि आप ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे लेकर आएंगे. ओके, ऊपर से स्टार्ट करके नीचे लेकर आएंगे, आप कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे. दिस वे, दिस इज अलिफ, ठीक है, ऊपर से नीचे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम. यू विल नेवर गो लाइक दिस वे, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट. ओके, तो अलिफ लिखना है ऊपर से नीचे आ जाएंगे. नाउ अगर हमने इसके इनिशियल, मिडिल एंड फाइनल फॉर्म लिखना है, क्योंकि देखिए कोई वर्ड या तो इनिशियल होगा, शुरू में आ रहा होगा कोई लेटर, या फिर वो दरमियान में, मिडिल में आ रहा होगा, या आखिर में आ रहा होगा, तो डेफिनेटली फिर उसके तीन शेप्स बन गए क्योंकि वो कनेक्ट होने वाली लैंग्वेज है. तो इसीलिए हम हर लेटर के तीनों फॉर्म्स सीखेंगे कि वो किस तरीके से लिखा जाता है. Now we'll write alif initial form. Alif को अगर शुरू में लिखना होगा तो आप इस तरीके से अलिफ की तरह लिखेंगे, जिस तरह हमने ऊपर से नीचे लिख दिया, ये हो गया आपका लिख. Now you will never connect anything here. अलिफ के कभी भी लेफ्ट साइड कोई चीज कनेक्ट नहीं होती. अलिफ हमेशा अगर शुरू में लिखा जा रहा है तो अकेला लिखा जाएगा, उसके आगे मतलब पीछे की तरफ यानी लेफ्ट साइड किसी भी चीज को आप कनेक्ट नहीं करेंगे. यानी कि ये अलिफ लिख दिया, अगर आपने कोई लेटर लिखना है तो फिर अब अलग से आप स्टार्ट करेंगे, अलिफ से मिलाकर स्टार्ट नहीं करेंगे. तो ये याद रखें, अलिफ अगर इनिशियल में आ जाएगा तो वो इस तरीके से होगा, सिर्फ अकेला होगा, उसके आगे लेफ्ट साइड कोई चीज अटैच नहीं होगी, लेफ्ट साइड कुछ भी अटैच नहीं होगा, तो ये याद रख लें. दूसरी चीज, अगर अलिफ मिडल में आता है तो वो हमेशा किसी ना किसी लेटर से यहाँ से कनेक्ट होगा, यानी राइट साइड से कनेक्ट होगा, और अलिफ को इस तरीके से लिखा जाएगा. अब ये फिर से ये मिडल फॉर्म है, अब इसमें भी आप यहाँ से यानी दिस साइड यू कांट कनेक्ट एनीथिंग, इसके आगे यहाँ पर कुछ नहीं अटैच होगा, या मिडल फॉर्म है
तो ये यहाँ पर आपका कोई भी लेटर है, फिर ये दरमियान में वो अलिफ आ जाएगा, फिर इसके इस तरफ कोई लेटर कनेक्ट नहीं होगा, और इसका इनिशियल और इनिशियल फॉर्म अलग ही होता है और मिडल और फाइनल फॉर्म एक ही जैसा होता है. दैट मीन्स दिस वे यू, ठीक है. तो ये इनिशियल फॉर्म हो गया, ये मिडल फॉर्म है और ये फाइनल फॉर्म है. तो ये आपका अलिफ है. अब इसी अलिफ को आपने दम्मा फतहा कसरा के साथ लिखना है. तो आप क्या करेंगे, अलिफ लिखेंगे ऊपर से नीचे, फिर ऊपर लगा देंगे फतहा. फतहा मतलब जबर, और वो थोड़ी सी क्रॉस लिखी जाती है. ओके, ये स्लैंटिंग लाइन की तरह छोटी सी लिखी जाती है, बहुत लंबा नहीं करना आपने, छोटा लिखना है. अलिफ के साइज के मुकाबले में देखे हमने कैसा लिखा है, ये है आपका फतहा जबर. अगर आपको कसरा लगाना है तो आप इसके नीचे छोटा सा इस तरह से दूर थोड़ा सा कसरा लगा देंगे. अगर आपको जम्मा लगाना है, पेश लगाना है, तो आप अलिफ लिखेंगे और फिर उसके ऊपर छोटा सा पेश लगाएंगे इस तरीके से. पेश लिखने का क्या तरीका है, यानी जम्मा लिखने का, आप यूं करके इस तरीके से कर देंगे, जिस तरह कॉमा बनाते हैं उस तरीके से आप कॉमा बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर छोटा सा गोल होना चाहिए, राउंड होना चाहिए. तो ये अलिफ का इनिशियल फाइनल मिडल फॉर्म है विद दम्मा फतहा कसरा, ठीक है. अगर आपने अलिफ के ऊपर या किसी भी लेटर के ऊपर अगर आपने शद लगानी है, तशदीद लगानी है, तो आप ये अलिफ लिख लिया ऊपर से नीचे, फिर आपने उसके ऊपर शद लगा दी, तशदीद लगा दी. अब जब तशदीद लगा रहे तो कोई ना कोई एक्सेंट भी लगेगा, फतहा या कसरा यानी जबर या जेर भी लगेगा. तो अगर आपको इस शद के ऊपर जबर लगानी है तो आप क्या करेंगे, इस तशदीद के ऊपर फतहा लगाएंगे, ओके, ऊपर. और अगर आपको जेर लगानी है तो आप क्यों ऐसे करेंगे, ये न्यू स्टाइल है लिखने का अरेबिक का, पहले इस तरह नहीं लिखा जाता था. पहले हम न्यू देख लें फिर हम ओल्ड वाला देखेंगे. पहले इस तरह शद लिखा जाता है, अगर आपको कसरा लगाना है तो आप इसके नीचे छोटा सा शद के नीचे कसरा लगाते हैं. यानी पहले इस तरह लिखा जाता था, शद लगा दी नीचे कसरा, इस तरह लिखा जाता था. अब इस तरह नहीं लिखा जाता, उसी शब्द के नीचे छोटा सा अगर मार्क कर दिया जाए तो वो कसरा है, और उसके ऊपर कर दिया जाए तो वो फतहा है, यानी कि जबर है. और अगर आपको इस शब्द के ऊपर पेश लगाना है तो आप यूं लिखेंगे और ऊपर पेश लगाएंगे, नीचे नहीं लगाएंगे, ठीक है. तो फतहा और दम्मा यानी पेश और जबर ऊपर लगेगा और कसरा यानी जेर नीचे लगेगी, ठीक है. तो ये इस तरीके से आपने अलिफ लिखना है. इंशाल्लाह विल लर्न बा इन अनदर वीडियो. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.